विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी प्रत्याशी शकुंतला सिंह का किया गया जोरदार स्वागत, 2024 में जीत का किया गया दावा। सुशील मौर्य बने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, सांसद दीपक वैश ने दी बधाई। बीजापुर में मतदान को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, बीजा दूतीर कर रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए जागरूक। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि गौधन न्याय योजना के तहत अब भुगतान किया जाएगा, हितग्राहियों को 20 अगस्त को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री 9.65 करोड़ रूपये का भुगतान करेंगे। बताते चले कि अब तक 541.66 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर गौधन न्याय योजना के तहत भुगतान किया जाएगा, हितग्राहियों को 20 अगस्त को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री 9.65 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर गोधन न्याय योजना के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा, हितग्राहियों को 20 अगस्त को राशि का भुगतान मुख्यमंत्री करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री करेंगे 9.65 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त जारी की जाएगी, 24.5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बड़ी जानकारी जहां पर महासमुंद में दिया जाएगा, पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये आंतरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर जहां पर ऑनलाइन राशि का आंतरण करने के बाद उनके बैंक खातों में सीधा पहुंचेगी। महासमुंद में 20 अगस्त को सीएम करेंगे राशि का आंतरण। अब तक 20.103 करोड़ रुपए की राशि का किया जा चुका है आंतरण। तो बड़ी जानकारी जहां पर राजीव गांधी न्याय किसान योजना के तहत 24.5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी जहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। रायपुर स्थित जैन मानस भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गारंटी कार्ड भी जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन करेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गारंटी कार्ड भी जारी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्षों की मांग आज पूरी हुई है, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी जोरों पर रखकर चल रहे हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी शकुंतला पोर्ते विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पहुंची और उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। में पहला आगमन पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सेना है, जवाज हमारे कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और वरिष्ठ लोगों का जो टीम है, इसका जो उमंग है, इसका जो उत्साह है, देखकर ये पूरा विश्वास है कि हम लोग जरूर भाटक नगर और प्रतापपुर जरही और हमारा रघुनाथ नगर मंडल से हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम ये सीट जरूर जीतेंगे। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर आज प्रदेश कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एआईसीसी प्रभारी केसी वेणुगोपाल बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां पर राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल और अध्यक्ष दीपक बैज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर आज ये कार्यक्रम, आज प्रदेश कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण बैठक जिसमें एआईसीसी प्रभारी केसी वेणुगोपाल हिस्सा लेंगे, राजीव भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर आज जो दो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, राजीव भवन में बैठक का आयोजन होगा। कांग्रेस की दो अहम बैठक जिसमें एआईसीसी प्रभारी केसी वेणुगोपाल हिस्सा लेंगे, राजीव भवन में बैठक का आयोजन होना है। जगदलपुर युवा नेता और बस्तर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य के शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने पर जगदलपुर के स्थानीय राजीव भवन में जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन समेत समस्त कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए फूलमाला पहनाकर नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने सुशील मौर्य को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे युवा हैं, काबिल हैं, काम कर सकते हैं, इस आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। बैज ने कहा कि जिन अन्य जिलों में जिम्मेदारी नए सिरे से देने की जरूरत होगी, वहां भी इसी आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो जगदलपुर युवा नेता और बस्तर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य के शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने पर जगदलपुर में स्थानीय राजीव भवन में जोरदार कार्यक्रम और आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया।
यहाँ पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने सुशील मौर्य को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे एक युवा हैं, काबिल हैं, काम कर सकते हैं। इस आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। बैज ने कहा कि जिन अन्य जिलों में जिम्मेदारी नए सिरे से देने की जरूरत होगी, वहां भी इसी आधार पर नियुक्ति की जाएगी। जगदलपुर शहर का नया कांग्रेस अध्यक्ष मिला है, युवा है, उत्साहित है और छात्र राजनीति से शुरुआत कर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मिला है। हमारे आलाकमान और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के लिए काम सुशील मौर्य करेगा और हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि सभी विधायक से लेके कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेगा और इसके साथ ही आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 भी जगदलपुर सीट इनके नेतृत्व में लड़ना है। हमारे युवा नेता जो कि लगातार छात्र जीवन से NSUI युवक कांग्रेस पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करते रहे, उन्हें आज अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि सुशील जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस संगठन, युवा वर्ग, मातृशक्ति, सीनियर कांग्रेस, सभी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलकर भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा चुनाव हम सब जीतेंगे। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय दीपक बैज जी का, प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे शहर के सभी प्रबुद्ध और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों का, हमारे विधायक आदरणीय रिकचंद जैन जी का, सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसका वो खूबी निर्वहन करेंगे और इसमें सभी लोगों का साथ सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस पार्टी 2023 का चुनाव बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। वहीं बीजापुर में बीजा दूतीर शासकीय योजना का प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदान और अन्य योजनाओं के बारे में लोगों को बताकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजा दूतीर दो शब्दों से मिलकर बना है। बीजा मतलब बीजापुर, दूतीर मतलब विकास कार्यों में दूत बनकर काम कर रहे लोग। जिला प्रशासन के अंतर्गत बीजा दूतीर कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत 18 साल से 35 साल तक के जो हमारे युवा वर्ग है, उनके ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। हमारे जो बीजा दूतीर के वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, वे बिना किसी शुल्क के शासन से जुड़कर शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। जैसे वर्तमान में ये निर्वाचन में सहयोग करते हुए सभी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं वोट देने के लिए, एवं 18 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है उनको निर्वाचन नामावली में उनका नाम जोड़ने के लिए भी कर रहे हैं। वहीं जगदलपुर ब्लॉक के बड़े बोदल के ग्रामीणों ने संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन से मुलाकात की। विधायक ने उनकी बातों को सुनने के बाद वनाधिकारी पट्टा दिला ने अधिकारियों से इसके लिए चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि उनकी हर समस्या का आज निराकरण किया गया है, गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हर संभव कोशिश की जा रही है। सभी ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए भूपेश है तो भरोसा है का जयकारा लगाया। मेरे जगदलपुर विधानसभा के लगभग 70-80
ग्रामीण मुझसे मुलाकात करके वन भूमि पट्टा की मांग के लिए आवेदन दिए थे और हमारी सरकार वन क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे ग्रामीण हैं 2005 से पूर्व से निवास कर रहे हैं, ऐसे सभी वन क्षेत्र में सामूहिक जो महिलाएं आपस में लड़ी हुई हैं, उसमें से एक महिला ने जो घर में तलवार घुमाए गंडासा होता है उससे उस महिला पे वार किया जिससे वो बुरी तरीके से घायल होकर पड़ी हुई है। इसी दौरान जो आरोपी महिला थी वो भी चौकी पहुंच गई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसके जो घायल है उसको पास के रघुनाथ नगर CSC ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर से पुलिस ने 302 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को अपनी हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर जिले में सड़कों का जाल ग्रामीणों की मांग पर विधायक और कलेक्टर के निर्देश पर बनाए जा रहे हैं ताकि जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी जोड़ी जा सके, लेकिन कई अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मोदकपाल से पवरेल और पुसगुड़ी सेंट्रल से जुड़ने वाली सड़क की पहली बारिश में हो रही में जमींदोज हो गए। खबरों की माने तो सड़क का निर्माण खराब गुणवत्ता वाले सामान से किया गया था। वही जानकारी मिलते ही जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सिंधेर स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में फिलहाल लगभग 133 मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है और ओपीडी में पूरे प्रदेश भर में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज इलाज और परामर्श के लिए आते हैं। कलेक्टर ने चिकित्सालय के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड एवं पुनर्वास वार्ड का अवलोकन कर मानसिक रोगियों के बारे में जानकारी लेते हुए उनके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया जहां पर सभी उपलब्ध सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। बिलासपुर की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने मानसिक रोगियों के लिए बनाए गए अस्पतालों का ये निरीक्षण की तस्वीरें, जहां पर अधिकारियों को मरीजों को सारी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण की ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने मानसिक रोगियों के लिए बनाए गए अस्पताल का यह औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को लेकर यह जायजा लिया और जो भी कमियां पाई गई उस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिलाधिकारी ने ये औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण की ये तस्वीरें जहां पर मानसिक रोगियों के इलाज के दौरान उन्हें जो कमियां महसूस हो रही हैं उन सब को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुशील मौर्य को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने जगदलपुर शहरी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष बनने के आदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किए हैं। रोटरी क्लब द्वारा
गोदग्राम धुरगुड़ा में आजादी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धुरगुड़ा स्कूल में रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश कागोत द्वारा की गई। उन्होंने उद्बोधन में दिनेश कागोत ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब से संग्राम सिंह राणा और विवेक जैन ने अपने भाषण में बच्चों को जीवन में अपने फील्ड में अच्छा कार्य कर देश को मजबूत करने की बात कही। उसके बाद बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस आजादी के अवसर पर क्लब द्वारा बच्चों को मिठाई, स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री, खेलकूद सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। तो गोदग्राम की यह तस्वीरें हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोटरी क्लब की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बच्चों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरणा दी गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।